आजा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कमरे में जाके आराम करो। मैं ठीक हूं। सुहेल ठीक कह रहा है बेटा, तुम जाकर कमरे में आराम करो। आप क्या चाहते हो? पैरालाइज होके बेड पे पड़ जाऊं? खुदा ना खास्ता, मैं ये तो नहीं कह रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि तुम्हें आराम की जरूरत है। रेस्ट के साथ साथ जहनी सुकून भी जरूरी है, और जहनी सुकून के लिए घर का माहौल खुशगवार होना चाहिए, जो इस घर में मुझे हरगिज नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्या परेशानी है इस घर में? तुम खुद को आराम दो, अपने जहन को आराम दो, सब ठीक हो जाएगा। जहनी परेशानी? सबसे बड़ी जहनी परेशानी वो आपका साइको बेटा रायद है। एक दिन दवाई ना खाए तो घर सर पे उठा लेता है। हाजरा, हाजरा, ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं? मुझे तो हैरानगी होती है, सारा जैसी लड़की से इसकी मंगनी कैसे हो गई? बेचारी सारा सारी जिंदगी साइको को भुगतेगी। सुहेल देखो ये कैसे बात कर रही है मुझसे। मॉम आप इसे छोड़ें, इसकी तबीयत खराब है। आप कहाँ जा रहे हैं इनके पीछे पीछे? इधर आए। इनका पल्लू पकड़ के एक बेटा तो पागल हो ही गया है, आप भी हो जाएंगे। हाजरा, हाजरा, ये कोई करने वाली बात है क्या? अच्छा, जब रायत के ससुराल में इन्होंने मुझे साइको मशहूर किया, तब तो आपकी जबान बंद थी, तब तो आप कुछ नहीं बोले। अब ये सब तुम्हें किसने बताया? किसने बताया किसने नहीं, ये बात छोड़े, और ये सोचे कि अगर मैंने रायत के बारे में वहां बता दिया तो क्या होगा? तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाजरा। अगर आपके बारे में मैंने रायत को बता दिया तो भी आपसे बुरा कोई नहीं होगा। रायत की नजरों में मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे यूं आप सबका भाग भाग के सारा के घर जाना हर किस बर्दाश्त नहीं है, तो बेहतर है कि इसे अवॉइड करें। इसमें प्रॉब्लम क्या है? उस दिन तुमने खुद ही उसे रोका था और छोड़ने भी गई थी उसे। मैं तो आज भी उसे रोकूंगी, लेकिन इस घर से वहां कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि आपकी मॉम मेरे घर तो ऐसे भाग भाग कर नहीं आती थी। लेकिन हजरा, लेकिन जो आती थी वो इस घर से अब जा चुकी है, बेहतर है कि उसका जिक्र भी चला जाए। हजरा भूल जाओ उसे। आप भूल गए? मैं भी नहीं भूलूंगी। आप अभी और इसी वक्त यहां से चले जाएं, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा, और इस बार मेरा हाथ रोकने के लिए ना यहां पर आपका भाई मौजूद। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि इस दफा तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा।